ये हमारा ब्रिक्स फॉर्म का निकल रहा है हम लोग आज ब्रिक्स फार्म्स में मस्टर्ड ऑयल निकाल रहे हैं मस्टर्ड ऑयल निकालना इतना इजी टास्क है जैसा बाकी का ऑयल फटाफट निकल जाता है मस्टर्ड ऑयल निकालने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि ये हाथों में जलता है काफ़ी तो ये निकालते वक्त आप इसके सामने बहुत देर तक खड़े नहीं रह पाओगे शुद्ध मस्टर्ड ऑयल की यही पहचान होती है कि वो आँखों में थोड़ा सा उससे जलन होनी चाहिए और प्रेशर से नहीं जलती जो एक्सप्लोरर से निकालते हैं मेटल एक्सप्लोरर से जो ऑयल निकलता है उसमें ये महसूस नहीं होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑलरेडी इतना बड़ा चुका रहता है कि वो ऑयल बर्न आउट हुआ रहता है मार्केट में तो जनरली मेटल एक्सप्लोरर से निकला हुआ ऑयल मिलता है हम लोग ये आप के रखे हैं ऑयल दिख रहा है आपको नीचे रखिए पूरा घूमता है इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं सीड्स भी पूरे 100% नेचुरल है 100% नेचुरली ग्रोन सीड्स है ये जो मस्टर्ड का निकला हुआ रहता है एक्सट्रैक्टर बचा हुआ इसको हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं ये एज अ शैम्पू इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट इसको पानी में मिला के फेस बना के बालों को लगाने से और उसके बाद वॉश करने से बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं मतलब इससे बेहतर शैम्पू और कोई नहीं है थोड़ा सा स्कैल्प में जलन होता है पर ठीक है इसका उपयोग आप एज अ फर्टिलाइजर भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन होता है इसमें घर के पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा है